आप समझ रहे हो, तो एजुकेशन वो नहीं था। लेकिन एक बात जो मेरे वालिद मुझे हमेशा बोलते थे वो ये था कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है वो तुमको अकोमोडेट नहीं कर सकता, जो तुम्हारा टैलेंट है इससे ज्यादा है, तो लिहाजा अभी हर सब्जेक्ट में सिर्फ पास होना है, आगे चल के तुमको चूज करने का मौका मिलेगा। अभी नहीं है, 10th तक कहाँ चूज करने का मौका है हमारे पास, इंडिया में तो अभी सिस्टम नहीं आया है कि 10th तक कुछ चूज करे। अब शायद जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, जब भी लागू होंगी उसमें ऑप्शन शायद है, स्पेशली छोटी क्लासेस के लिए, वल्ला वालों में उसके डिटेल्स नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल पर तो बहुत है उसमें, आप 6 महीने में चेंज कर सकते हो, आपको कोई कोर्स चेंज करना है। बट बहरहाल उनका ये मुझे मोटिवेशन था कि क्या करो, अभी सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ, पास होना भी ठीक है, जस्ट पास हो जाओ। क्योंकि तो मैं 7th, 8th और 9th प्रमोट हुआ था, मतलब जो बच्चे एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो उनको धक्का पास बोलते हैं, तो मुझे धक्का पास कर दिया, समझ रहा। तो वालिद साहब का बोला था जस्ट अभी पास हो जाओ, ये स्कूलिंग सिस्टम में आपके जो टैलेंट है वो नहीं ऑक्यूपाई हो सकते, ये सिस्टम बहुत छोटा है आपके लिए, समझ रहे आप। और वो जनरली ऐसा कमेंट मुझे दिया करते थे, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक था और क्या स्टडीज थी मुझे नहीं पता, वो बोलते थे मुझे जेल और स्कूल दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों में जुल्म होता लोगों पर बस। तो उनके लिए भी स्कूलिंग सिस्टम का वो नहीं था। अभी बहरहाल मेरे बच्चे जानते, घर वाले जानते, उन्होंने जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते वहां जाके टीचर से खूब लड़ा, कर्सिव राइटिंग क्यों दिखा रहे, अभी स्पीच का दौर आ गया, लोग बोल के लिखा रहे हैं और आप कर्सिव में दुनिया भी घूम रही है आपकी, ऐसा ए लिखो ऐसा बी लिखो, झगड़ा करके आ गया, ये नहीं चलेंगे, ये हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे कर्सिव राइटिंग, नहीं तो नहीं खत्म। क्योंकि तो इसमें कहाँ उनका टैलेंट बर्बाद करें, आप कौन सा उसको पेंटर बनना है बाद में और लिखना है उसको बहुत अच्छे से, और कौन से उसको सर्टिफिकेट्स पर लिख के देना है यूनिवर्सिटी में पास होने के बाद, वहीं चलती कर्सिव और कहाँ यूज होती है, और वो भी कौन लिखाता है हाथ से, कंप्यूटर आ चुके हैं उसके लिए, तो समझे ना। तो वो सिस्टम में हम रहे, तो उनका ये था कि तुम बाद में कुछ कर सकते हो, तो ये उनका आप समझ रहे ना, कहीं ना कहीं उन्होंने टैलेंट को मेरे फाइंड कर लिया था, और वो समझते थे कि ये इसके ये सिस्टम में नहीं बैठने वाला ये। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।